सो गाइस फाइनली टोनी काकू कावाई यानी फ्लाई मी टू द मून का सीजन 2 आ चुका है और इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ मैं इसका एपिसोड नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। तो जिन लोगों ने भी ये एनीमे नहीं देखा है वो जाके देख लेना, मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है सीजन 1, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। और जिन लोगों ने देख रखा है तो वो भी देख सकते हैं अगर उन्हें स्टोरी वगैरह याद ना हो, जिससे कि सीजन 2 को अच्छे से देख पाए और इन्जॉय कर पाए। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकिंग बिगिन। एपिसोड शुरू होता है और नासा नीचे गिरा होता है खून में लथपथ और बोलता है, क्या मैं मरने वाला हूँ? सुकासा कहती है, हाँ शायद तुम बच जाते अगर मेरा पीछा ना किया होता तो। नासा कहता है, फिर भी मुझे खुशी है मैं तुम्हारे पीछे आया क्योंकि मैं तुमसे शादी कर पाया। और तभी नासा की आँख खुल जाती है, ये बोलता है, क्या ये एक दूसरी दुनिया है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी सुकासा आ जाती है और इसे गुड मॉर्निंग बोलती है और नासा भी। सुकासा कहते है, क्या हुआ तुम काफ़ी हैरान लग रहे हो। नासा कहता है, तुम अचानक से आ गई इसलिए। और तभी सुकासा इसे किस कर देती है और ब्रेकफास्ट के लिए बुला के चले जाती है। नासा मन में कहता है, हमें शादी करे कुछ टाइम हो गया लेकिन मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं हुई। नेक्स्ट सीन में सुकासा बोल रही होती है कि मुझे शार्क मूवी पसंद नहीं आई। नासा बोलता है, मुझे तो पसंद आई, इसमें फैमिली रिलेशन दिखाई गई। सुकासा बोलती है, कम ऑन डार्लिंग, मुझे फैमिली लव वगैरह नहीं चाहिए शार्क मूवी में, और बुराई करने लगती है इस मूवी की। अब नासा मन में बोलता है, सुकासा के साथ हर दिन सरप्राइज से भरा हुआ होता है। इसने मेरी जान बचाई थी 2 साल पहले उस रात और चले गई इससे पहले मैं इसका नाम जान पाता। फिर हम दोबारा मिले और अपनी मैरिड लाइफ स्पेंड करी, अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन दिया, प्रपोज करा मैंने इसे, वेडिंग रिंग्स खरीदी, मेरे पेरेंट्स से मिलने गए, फिर घर जल गया हमारा। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स के साथ रहने लगे। तभी सुकासा इसके पास आके कहती है, तुम पूरे दिन से काम ही कर रहे हो। नासा कहता है, हाँ मुझे ये डेटा जल्दी देना है। सुकासा बोलती है, तुम्हारे पास टाइम नहीं अपनी प्यारी वाइफ को एंटरटेन करने का। नासा बोलता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अटेंशन दूँ अपनी? सुकासा कहती है, हाँ एक न्यूली वेड वाइफ उस मूवी से डिसअपॉइंट हुई है और उसे अटेंशन चाहिए। नासा बोलता है, क्या मूवी देखने चलना चाहोगी? सुकासा बोलती है, हाँ जरूर। और नासा जल्दी जल्दी काम करने लगता है और सुकासा को कहता है, तुम तैयार हो जाओ। फिर बोलता है, तुम काफ़ी एक्साइटेड लग रही हो, तुम्हें अगर देखने जाना था मूवी तो अकेले जा सकती थी। सुकासा कहती है, मज़ा तो तुम्हारे साथ जाने में है। और नासा ब्लश करने लगता है। अब नासा इसे लेके जाते हैं एक बढ़िया जगह पे मूवी दिखाने, जहाँ पे प्रीमियम थिएटर होता है और मूवी स्टार्ट होती है। नासा मन में बोल रहा होता है, पुराने टाइम में कपल थिएटर में हाथ पकड़ने और किस करने जाते थे और अंधेरे का फ़ायदा उठाते थे। मुझे मेरी वाइफ से वैसा कुछ इंप्रेशन नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी ये बहुत क्यूट है कि ये मूवी इंजॉय कर रही है। और अब सुकासा मूवी देख के अलग अलग एक्सप्रेशंस बना रही होती है और नासा यही देख रहा होता है। और क्लाइमेक्स में सुकासा रोने लगती है और नासा मन में बोलता है, मेरी वाइफ खुद को रोने से नहीं रोक पाई, वाह ये सच में मूवी इंजॉय कर रही है। नेक्स्ट सीन में काना में नासा से कहती है, एक मूवी डेट, तुम दोनों तो लाइफ इंजॉय कर रहे हो। नासा कहता है, तुम्हें कैसे पता? काना में बोलती है, सुकासा ने बताया था, उसने कहा कि उसे बहुत मज़े आए। क्या तुम दोनों की वेडिंग नहीं होगी? नासा बोलता है, हमने उस बारे में कभी बात नहीं करी। काना में कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं बोला कभी? नासा कहता है, ये बात आई नहीं कभी। काना में फिर कहती है, और सुकासा की फैमिली का क्या? नासा कहता है, पता नहीं वो खुश थे लेकिन अगर ये एक एक्चुअल वेडिंग होती तो पता नहीं। क्या तुम चाहोगी वेडिंग अगर तुम्हारी शादी हो? काना में कहती है, ये ऑप्शन है तो मैं एक सुपर फैंसी चाहूँगी गोंडोला और फायरवर्क्स के साथ। और फिर इसे सुकासा से बात करने को कहती है वेडिंग के बारे में और जाते जाते बोलती है, मुझे पता है कि तुम देखना चाहते हो अपनी वाइफ को वेडिंग ड्रेस में। और नासा मन में कहता है, इसने सही कहा, मैं देखना चाहता हूँ वो।
नेक्स्ट सीन में नासा सुकासा से बात करता है और पूछता है कि क्या तुम चाहती हो कि वेडिंग हो। सुकासा साफ मना कर देती है और बोलती है, वेडिंग का मतलब बहुत सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, और रिसेप्शन में केक भी काटना होता है, स्पीच देना और किस भी करना होता है इतने लोगों के सामने, और वेडिंग ड्रेस भी पहननी होती है, ये सब काफ़ी एम्बेरेसिंग है। नासा कहता है, ये एक अच्छा आइडिया है। सुकासा बोलते, क्या तुम मुझे सुन भी रहे थे? नासा कहता है, हाँ मैं तुम्हें एक सुपर फैंसी वेडिंग ड्रेस में देखना चाहता हूँ। सुकासा बोलती है, मैं ये कहना चाह रही थी कि ये काफ़ी एम्बेरेसिंग है। नासा बोलता है, अगले हफ्ते देखते हैं वेडिंग का। सुकासा फिर जाते हुए बोलती है, तुम्हारा कुंफू वीक है डार्लिंग। नासा कहता है, क्या मतलब? सुकासा बोलती है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि वेडिंग सेरेमनी में क्या होता है? चलो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करें, ये बताओ एक वेडिंग सेरेमनी कैसे अरेंज करते हैं, एक्ट करके बताओ। नासा बोलता है, पहले जगह सेलेक्ट करते हैं, फिर कॉल करके कहते हैं, हेलो मुझे एक वेडिंग करनी है, कौन से दिन अवेलेबल है? ओह तो फ्राइडे अवेलेबल है, मैं दो लोगों के लिए रिजर्वेशन करना चाहता हूँ फ्राइडे नाइट को। तभी काना में आती है और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम कोई ड्रिंक पीने जा रहे हो किसी के साथ बाहर? तुम्हें गोंडोला और फायरवर्क्स नहीं मिलेंगे एक सिंगल कॉल से। सुकासा बोलती, गोंडोला? काना में कहते, सॉरी ऐसे आने के लिए, एक पड़ोसी ने वाटरमेलन दिया तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ शेयर कर लूँ। अब ये सभी साथ में वाटरमेलन खा रहे होते हैं और सुकासा काना में से बोलती है कि नासा को कुछ भी नहीं पता वेडिंग के बारे में। काना में अब नासा को बोलती है, क्या तुम्हें पता भी है वेडिंग में कितने पैसे लगते हैं? नासा कहता है, शायद 150,000 या 160,000 येन। ये सुनकर सुकासा बोलती है, ये गलत है। और काना में कहती है, वेडिंग में कम से कम 70 लाख येन लगते हैं। नासा कहता है, क्या कहा 70 लाख? और इसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है और फिर यह कहता है, इससे तो एक कार खरीद सकते हैं। काना में बोलती है, हाँ और अगर सिटी से दूर जाऊँ तो घर भी खरीद सकते हो इतने पैसों में। नासा कहता है, मुझे तो हमेशा से लगता था कि वेडिंग का मतलब एक दूसरे से प्यार का वादा करना प्रीस्ट के सामने। और वाइफ रोती है लेटर पढ़ते हुए पेरेंट्स का, और एक दिन में सब ख़त्म हो जाता है। क्या ये सच में इतना लंबा प्रोसेस है जिसमें एक साल तक ट्रैवल करते हैं? काना में कहती है, तुम्हारा कोई बैंड नहीं और ना ही ये कोई टूर है। नासा बोलता है, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने पैसे क्यों लगेंगे। नेक्स्ट सीन में चिटो से यहाँ पे शार्लेट के साथ फाइटिंग प्रैक्टिस कर रही होती है और बोल रही होती है वो वेडिंग का क्या करने वाले हैं दोनों। ये सुन के अरोरा कहती है, तुम्हारा मतलब कोनन और अमूरो? ये बोलती है, वो नहीं, बिग सिस और उसका हस्बैंड। और अब शार्लेट चिटो से पर अटैक करने लगती है। अरोरा कहती है, यंग लोग फॉर्मेलिटीज़ पे उतना ध्यान नहीं देते, शार्लेट कहती है। और सुकासा एम्बेरस हो जाती है आसानी से, मेरे होमलैंड में वेडिंग में यूजुअली 200 लोग आते हैं और 1,000 वो जिनके बारे में सुना भी ना हो। चिटो से कहती है, कोई इतने लोगों को कैसे जान सकता है? अरोरा कहती है, इतने लोगों में कुछ स्ट्रेंजर्स भी होंगे। शार्लेट कहती है, उनमें ज़्यादातर स्ट्रेंजर्स ही होते हैं। अरोरा कहती है, और फैमिलीज भी नहीं मिली एक दूसरे से अभी तो, एक वेडिंग अच्छा तरीका होगा ये अरेंज करने का। शार्लेट कहती है, क्या तुम जाओगी अगर इनवाइट करा तुम्हें तो? चिटो से कहती है, हाँ जाऊंगी। अरोरा बोलती है, तुम फिर वो बर्बाद करने का ट्राई कर सकती हो। चिटो से कहती है, मैं वैसा कुछ भी नहीं करूंगी, मैं उसकी शादी करने से अनॉय ज़रूर हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि ग्रैंड मदर बिग सिस को वेडिंग ड्रेस में देखें। शार्लेट कहती है, लेडी टोकिगो के लिए। नेक्स्ट सीन में नासा यही बोल रहा होता है कि वेडिंग कितनी महंगी होती है, और फ़ोन में एक चीज़ भी पड़ता है, बेट्रोथल मनी। तभी पीछे से आया आ जाती है। नासा बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बोलती है, मैं लिविंग रूम में वीडियो गेम खेल रही थी पूरे दिन और काना में गुस्सा हो गई तो मैंने उसे झूठ बोल दिया कि सफाई करने जा रही हूँ और यहाँ गेम खेल रही हूँ मैं तब से। फिर कहती है, बेट्रोथल मनी वो होता है जो एक साइड के लोग दूसरे को देते हैं इंगेजमेंट गिफ्ट्स के साथ, वेडिंग के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। तुम इतनी स्मार्ट हो फिर भी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता तुम्हें। नासा कहता है, हाँ मुझे ये भी नहीं पता था कि वेडिंग कितनी महंगी होती है। आया अब बोलती है, इसके तैयारी में 1 साल लग जाता है। नासा कहता है, ये सच नहीं हो सकता, आई मीन लोग हर दिन शादी करते हैं। आया कहती है, और हर एक कपल साल भर पहले से प्लान कर रहे होते हैं।
ये सुनके नासा को फिर से झटका लगता है। अब सुकासा बोल रही होती है, अगर फ्रेंड्स और कोवर्कर्स को इनवाइट करोगे तो मैं इनविटेशन देने होंगे, और ये सब 2-3 महीने पहले से करना होगा। तुम्हारे पेरेंट्स दूर रहते हैं तो तुम्हें ये नहीं कह सकते कि कल आ जाओ, मेरी शादी है। हर चीज़ प्लान करनी होती है और इसलिए इसमें टाइम लगता है, और मैं इतना एफर्ट नहीं लगा सकती। आया लेकिन नासा को यह ट्राई करने को कहती है और बोलती है, मुझे पता है नासा अपनी वाइफ को वेडिंग ड्रेस में देखना चाहता है। और नासा बोलता है, 30-40 लाख येन ज़्यादा बड़ी रकम नहीं अगर मैं थोड़ा मेहनत करूँ तो। सुकासा कहते, नहीं ये बस फालतू चीज़ है। तभी आया कहती है, चलो जैक्सी की इशू खरीदें। नासा बोलता है, ये तो वेडिंग मैगजीन है ना जो कन्वीनियंस स्टोर में बिकती है। आया कहती है, हाँ वेडिंग के लिए फर्स्ट स्टेप है जैक्सी खरीदना, और इसलिए तुम दोनों वो खरीदोगे और पढ़ोगे। अब अगले दिन ये मिल्क लेने आए होते हैं और जैक्सी भी लेने आए होते हैं। सुकासा तभी एक आइसक्रीम ले लेती है और नासा जैक्सी मैगजीन उठाता है। ये काफ़ी मोटी होती है, इसे देख के सुकासा बोलती है, एक फ़ोन बुक की तरह ये तो। ये इसे खरीद लेते हैं और जाते वक्त आइसक्रीम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। और नासा फिर इसे बैठ के पढ़ रहा होता है और बोलते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी है करने को वेडिंग से पहले। सुकासा बोलती है, हाँ बहुत से कपल्स की लड़ाई भी हो जाती है, मैंने स्पिरिट्स में ये पढ़ा। नासा कहता है, इसे ये इन्फॉर्मेशन मांगा से मिली। सुकासा बोलती है, तुम काफ़ी स्वीट हो और मुझे नहीं लगता हमारी लड़ाई होगी, लेकिन मुझे ये पसंद है कि वो कैसे अब इतना करीब हैं एक दूसरे के। नासा कहते हैं, क्या कहा तुमने? सुकासा बोलते, मैं तुम्हें नहीं बताने वाली, मुझे लगता है कि इस वेडिंग सेरेमनी को अरेंज करने के सोचने के बजाय हमें मूवीज़ देखने जाना चाहिए, एक साथ खाना चाहिए खाना, कन्वीनियंस स्टोर जाना चाहिए और आइसक्रीम शेयर करनी चाहिए। अभी जैसे सब चल रहा है वो बढ़िया है। नासा कहते हैं, तो फिर हमें वेडिंग सेरेमनी के बारे में नहीं सोचना चाहिए अभी। सुकासा बोलते, नहीं ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी है, जब सही टाइम आएगा तब चांस होगा सोचने का हमारे पास हमारी वेडिंग के बारे में। नासा बोलता है, तुमने सही कहा, मैं खुश हूँ कि मूवी देखने गए। और अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों एक साथ सोए हुए होते हैं। नासा बोलता है, मैं सच में तुम्हें वेडिंग ड्रेस में देखना चाहता हूँ। सुकासा बोलती है, तो फिर प्राइवेट में सिर्फ तुम्हें दिखा दूँगी मैं। नासा कहता है, तो फिर वो हमारी प्राइवेट वेडिंग सेरेमनी होगी, क्या तुम वादा करती हो युजाकी नासा को प्यार करने का? सुकासा बोलती, हाँ युजाकी नासा, क्या तुम? नासा तभी कहता है, हाँ मैं करता हूँ। सुकासा बोलती है, कम ऑन डार्लिंग, मुझे पूरा तो भूलने दो। और दोनों हंसने लगते हैं। फिर नासा कहता है, और अब मैं ब्राइड को किस कर सकता हूँ, और ये एक दूसरे को किस करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस, ये था टोनिका को कवाई के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1। आई होप की वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। अच्छी लगी हो देन लाइक कमेंट शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार टपके हो, मेरे को पहली बार सुन रहे हो, देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक, तो मिलूंगा तुम्हें उसी के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।